शहर एक बार फिर स्मोक के शिकंजे में। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद। मजमुई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज़ कर गया। माल्ट रोड का इलाका सर्र फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड। टाउनशिप में AQI 282, फैसल टाउन में 238 पाया गया। हाईकोर्ट में इंसदादे स्मोक केस पर समाअत। इफ्तिखार स्टील मिल्स को 10 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म। पानी ज़ाया करने पर घरेलू सार्फीन को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। रात को आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री चलती हैं। महकमा माहौलियात के अफसरान रिश्वत लेते हैं। मेंबर वाटर कमीशन हिना हफीज़ुल्लाह का इंकशाफ। अदालत ने महकमा माहौलियात के अफसरान को फौरी वार्निंग जारी करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए DG साहब, अफसरान को बता दें आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री चलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। मेरे ये मुशाहदे में बात आई है कि हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। बहुत से केसेस उन्हें हल कर लिए हैं, मजीद उन्होंने क्या हल करने के करीब हैं। ऐसी स्कीमें जिनकी NOC मुतल्लिका रेगुलेटर ने दी है, सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। बाइंग, सेलिंग, अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र में रेगुलेटर विल बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन डीड फ्रॉम डे 1। तमाम ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से होंगे, कैश शुड बी डिसअलाउड। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के गिर्द शिकंजा सख्त किया जाएगा। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम में करप्शन का शिकार हैं। नैप को तब्दील करना कलीदी जिम्मेदारी है। कोई एक इदारा करप्शन का खात्मा नहीं कर सकता। कारोबारी अफराद नैब से खौफजदा ना हों, नैब उनके साथ खड़ा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब। जो रिकवरीज नैब ने की हैं उसकी ब्रेकडाउन क्या है वो आपको मुख्तसरन बताता चलूं। ये करीबन 3.5 अरब रुपए की आज रिकवरी का आगाज़ हो रहा है। इस डिसबर्समेंट में हुकूमत पंजाब के हवाले से 10 प्रॉपर्टीज़ चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दी जा रही हैं, जिनकी मालियत 436 मिलियन यानी 43,60,00,000 रुपये है। ये मुलजमान हमारे जो नैब के मुलजमान हैं, ये कोई आम मुलजिम नहीं होते। ये बड़े असर रसूख वाले वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते। इन्वेस्टमेंट्स करते हुए बराए मेहरबानी ख्याल करें और अपनी तहकीक किया करें। करप्शन माशरे के लिए जहर कातिल है। हमारे पास आम नहीं वाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं। लाहौर में हर माह पुलिस कचहरी में शिकायत का अजाला किया जाता है। पंजाब हुकूमत को 10 प्रॉपर्टीज दी जा रही हैं, जिनकी मालियत 43,60,00,000 है। DG नैब लाहौर अमजद मुजीद ओलख का तकरीब से खिताब। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 44 पैसे सस्ता। इंटरबैंक रेट 284.53 रुपये हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 286.50 रुपये में फरोख्त। अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में अहम तब्दीली। दिहाइयों से पढ़ाया जाने वाला मुतालिया पाकिस्तान का लाजमी मजमून खत्म। हायर एजुकेशन कमीशन ने अंडर ग्रेजुएट की नई पॉलिसी नाफिज कर दी। मुतालिया पाकिस्तान BA और BSc में लाजमी मजमून था। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 21 रोज में 7,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। दर्जनों गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस 9,355 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। LDA में अफसरान के तकरर तबादले। असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मैमूना से ई खिदमत टाउन प्लानिंग का चार्ज वापस ले लिया गया। राणा शुएब को ई खिदमत टाउन प्लानिंग का इजाफी चार्ज दे दिया गया। आमना जफर को डेप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट अपील कोर्ट का चार्ज दे दिया गया। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इकदाम जारी। 5 मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर मेडिकल अखराजात के लिए मजीद 15 लाख रुपए जारी। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद इरफान को इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। लाहौर के कांस्टेबल खालिद हुसैन को इलाज मोलजे के लिए 1 लाख रुपए दिए गए।